कैसा लग रहा है? पता भी नहीं है कहाँ कहाँ जाना है। बारिश नहीं आ रही उधर, एक तो ठंड है ऊपर से फिर बारिश। ये देसी मुर्गा कुछ भी दे दो। शादी वाले व्लॉग्स तो हो गए हैं खत्म, आज हम आए हैं वृंदावन। ये मेरा कैमरामैन, से हाय। और हम वैसे अपने लॉन्ग कोट्स डाल के आए थे, बट इधर बारिश हो रही है, हमने कहा उतार देते हैं, वो गिले हो गए ना तो सुखाने मुश्किल हो जाएंगे, सूट वूट तो हम सुखा ही लेंगे। घर से तो ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं मैंने, कहा इधर आके मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। सो अभी पहले किधर जा रहे हैं हम? प्रेम मंदिर। बाकी बिहारी वाले। ओके, हम पहले जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर एंड उसके बाद हम प्रेम मंदिर जाएंगे, ठीक है? ठंड हो रही है एंड बारिश तो बंद है फिलहाल, बस आए ना जब तक हम घूम रहे हैं। चलो जो होगा रिकॉर्ड करूँगी आपको, देख रही हूँ आगे पहाड़। चलो ठीक है, चलते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे हम ऑटो पूछ रहे हैं क्योंकि कार हमने काफ़ी दूर पार्क की है एंड यहाँ से हम थोड़ा आगे तक ऑटो में जाएंगे या रिक्शा में, देखो कैसे जाते हैं। तो अब हम रिक्शे में बैठ गए हैं, देखते हैं रिक्शा हमें कहाँ पे लेके जाता है, हमें पता भी नहीं है कहाँ कहाँ जाना है। क्यों आपने बताया नहीं कहाँ जाना है? हमें पता है जो मंदिर हो वही पहुँचा दे। ठंड लग रही है और इसने हमसे 10 रुपए कम लिए है, वो 30 मांग रहे थे, ये 10-20 रुपए में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ठंड लग रही है, कोट तो उतार रहे हैं। वो गली है इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्किंग की थी, जाली लगी हुई है यहाँ दिखा रही। उसके बाद हम अपनी गाड़ी को मतलब टर्न करने के लिए आगे जाम में फंस गए थे। हाँ। आगे अब जाम में फंस गए, फिर हमें बहुत आगे और जाना पड़ा। हाँ। अब उसके बाद जब टर्न कर रही तब वापस आए। सौरभ को तो याद हो गया है, सौरभ याद है आपको? गोबर ही गोबर पड़ा था, गाय का गोबर था सच में बहुत ज्यादा, जहाँ से टर्न करी थी एक गली में ले गए। चीज का डर हो रहा था ना वही हुआ, बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है एंड बस यार रुक जाए, है ना? एक तो ठंड है ऊपर से फिर बारिश, फिर मजा नहीं आता किसी भी चीज का। लास्ट टाइम जब हम वृंदावन आए थे ना तो तभी बारिश हो रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों होता, जब भी हम यहाँ पर आते बारिश हो ही रही होती। कभी बुलाते ना बारिश में बुलाते, पिछली बार तब आए थे तब भी बारिश। मैं भी यही बता रही थी, मैंने कहा पिछली बार आए थे तब भी बारिश थी, पहले ज्यादा तेज थी बहुत, तब तो पूरे गीले हो गए थे, है ना? ये अब तेज हो रही जल्दी। चलो चलो, कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा है पर ठंड है यार बहुत ज्यादा। बेटा कम हुआ है, ओए बारिश नहीं आ रही उधर? ये सही यार, है ना, आराम से देख सीट पे बैठा है अगला, हम खड़े हुए हैं यहाँ फालतू में, यहाँ कितनी बारिश हो रही है और तेज होगी तो। ये पता नहीं क्या इतने लेने गई है। हाँ मिला कोई? उसके बना लेना, खड़ो इधर। ये कोई नहीं, मोगरा मोगरा बढ़िया होता है। ये मोगरा सबसे बढ़िया होता है। मुझे के लिए मिक्स हो रहे हैं सारे, फिर हाथ पे मैग्नेट का है, ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया। आपको अपने लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए मतलब आप लगाओगे? भैया कमल को दिखाइए। ये मुझे कैमल बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं दिल कर इनको ले लूं। लेना है खुशी कुछ कुछ पसंद है ले लो। 260 दिखाना। एक मिनट रुक जाओ,
देंगे। ज्यादा बारिश हो गया तो मेरे शूज खराब होने वाले हैं आज। सागरिका कहाँ घूम रहे हो? हाँ नदियाँ चल रही हैं, नदियाँ चल रही हैं आपको। ले लेंगे कोई ना। क्या मेरे लिए गुलाब का मॉक कर अंदर आया है? और कुछ नहीं, और देख ले भला पाप दे, ठंडा रहेगा ना, गरम थोड़ी है वो। हां टिक्की बना लो ना फिर। टिक्की कहां है? टिक्का मैं मेन्यू में से देख देख के बोल रहा हूं। थोड़ा शिकंजी टिक्की कहां है? टिक्की कहां? नीरज को काला खट्टा खिला दो। मैंने तो कहीं मुझे गरम गरम गुलाब जामुन, मैंने तो वही कर लिया फन के वाली। मुझे तो खाने का मन कर रहा है। देसी घी की आलू टिक्की है ना, यही मंगा दो। ना ना ना, एक मेरे लिए भल्ला पापड़ी। अरे सब कुछ मंगा लो, मिक्स अप करके खा। वैसे तो हमने डिनर कहीं और ही करना है, पर एक पूजा। पानी बहुत ज्यादा है गलियों में, तो हमने पहले खा लेते हैं थोड़ा बहुत, तब तक पानी क्लियर आउट हो जाएगा। हमें यही पसंद कर रहा हूं। ये सर ने अपने कपड़े खराब कर लिए। आपने किए ये बात? या क्या करते हो यार? खा रही थी और ऊपर गिर गया। कोई नहीं, बारिश आ रही है, धुल जाएगी। ये क्या खा रहे हो? ये है समोसे छोले, ये भल्ला पापड़ी, ये है टिक्की। भैया का भी सेम है, देसी घी की बिल्कुल। हाँ देसी घी का फ्लेवर भी आ रहा है इसमें। चलो ये टेस्ट करके देखते हैं हम अपनी डिश। अच्छे हैं। कैसा है ये टिक्की का? ये समोसे। खाना कैसा लगा? सही करता सुल्तान इकबाल से। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका कैसा था? अच्छा था भैया। आपका कैसा था? अरे मस्त। तेरा कैसा था? सही था। शक्ल से तो नहीं लग रहा सही। ये सही तो नहीं लग रहा, बचा हुआ है। आपका कैसा था? ना नमक ना मिर्ची। नहीं इसमें नमक ना मिर्ची। आप पी ना बस। थोड़ा एक करवा लो सारे, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे। ओए पागल ना। ये दूध है, हम दूध पी रहे हैं, केसर वाला। दो कर दो, दो कर दो। आप पी लोगे अगर मैं नहीं पिया तो? पी जाएंगे। ये देसी मुर्गा कुछ भी दे दो। गरम गरम दो। अच्छा लग रहा है, पूरा पीना है? नहीं पूरा पीना। पी के देखो और चीज चीज भी पी के तो देखो थोड़ा सा। रोटी आ रही है, ये पीना जाएगा पैसे वैसे। अच्छा ना। ये हमारे एंकर। अब हम वृंदावन की गलियों से निकलते हुए पहले इस्कॉन मंदिर को टच करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे प्रेम मंदिर। अब हम यहाँ से निकल गए। भैया कैसा लगा आपको दूध? अरे दूध बिल्कुल मक्खन मक्खन, बहुत स्वाद है। मैं पिया भी नहीं यार पूरा। इतना स्वाद है। वो चिल्ला रहा था, चला ले। अभी हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं। इधर वाले हाथ पे। हाँ ठीक है, आधा पिज्जा पहले। क्या आधा पिज्जा? इतना हो गया पिज्जा एकदम से। हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं? नहीं वही छोड़ेगा ये, वैसे हम गाड़ी में बैठे प्रेम मंदिर में। ठीक है वहीं पर है दोनों का। मेरे से तो प्रिया जा रहा था, बट इन्होंने पीने नहीं दिया मुझे। ब्लेम कर ये ना बचा पाएगी। ये कह रहा तेरे से पिया नहीं जाएगा, ला मुझे दे दे। ना पचा पाएगी ये, मैं ही पचा सकता हूं। कह रहा पचा नहीं पाएगी तू भाई, पी के देख। और इसकी मलाई ना रस मलाई जैसी है, खा के देख।
ये तो अब तो फुलफुरी आ रही है। कैसे पी रहा है? पिया भी नहीं जाएगा यार। ऐसा हो गया देखो भैया, मैं नहीं पीता इसको, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार आगे करते नहीं मलाई को अंदर करा देना ना, कुछ ऐसे करा दो। क्या अभी टेंट बना कर रहे हो तुम दोनों? ये नाखून का यूज हो रहा है। खुशी के नाखूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या बोलते हैं? नेल्स नहीं, नेल एक्सटेंशंस। इनका ये यूज है सही। शुक्र है मेरे ये वाले हैं। तीखे वाले होते फिर ये मलाइयां निकलवाता। ये आ गया पिज्जा और ये कोल्ड ड्रिंक तो इतनी सी लेके आया है। अरे तेरे दूध पी रहा था तो कोल्ड ड्रिंक पी गया तो सारा भी दिख रहा है पीने वाला। मैं पीऊंगी थोड़ी सी। तेरे दूध घूम रहा ना पेट में। नहीं वो घूम के हो गया सेट अपनी जगह पे। अभी खा जाए। खोल तो ले पैकेट। इधर में तो ठंडा हो जाएगा। इतने में तो ओरिगैनो डल रहा है।